नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा नमो घाट फेज़ टू क्या अपडेट है। जैसा कि मालूम हो कि इसका जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकार्पित किया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं समय समय पर वाराणसी से संबंधित जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाता हूँ। आज तारीख की बात करूं तो आज है 21 नवंबर और दिन है मंगलवार का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैक कैमरे से। फिलहाल मैं हूं नमो घाट और यहीं से मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नमो घाट जहां पर तैयारी, चाहे वो चारों तरफ पुताई की हो या फिर साफ सफाई की हो, पेड़ पौधे लगाने का काम, ये सभी आपको घाट पर ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देगा। आगे में ये आप देख रहे हैं रैंप, नीचे से पूरा ऊपर की तरफ दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर वाराणसी के सबसे अत्याधुनिक घाट पर काफ़ी ढेर सारी सुविधाएं हैं जो कि किसी अन्य घाट पर वाराणसी के नहीं मिलेगा, वो आपको नमो घाट पर मिलेगा। यह देख रहे हैं खूबसूरत यहाँ पर छतरियाँ हैं, जैसा कि आप फेज टू में भी देखेंगे। दोपहर के करीब 12:30 बजने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर कैफेटेरिया है, ये आप देख रहे हैं। शाम के समय यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और खाने पीने की वस्तुएं आपको इस जगह पर। ये आप देख रहे हैं नमो घाट। और ये है ओपन एयर थिएटर, काफी खूबसूरत ये नमो घाट। चारों तरफ आप देखेंगे तो हरियाली के लिए यहाँ पर गमले लगाए गए हैं और ऐसे ही कुछ व्यवस्था आपको फेज टू में भी दिखाई देगा। ये आपका ओपन एयर थिएटर में दर्शकों के बैठने के लिए इस प्रकार व्यवस्था की गई है सीढ़ियों का। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये मंच, लेकिन फिलहाल अभी खाली है। चलिए इस खूबसूरत नमो घाट से आगे बढ़ते हैं फेज टू की तरफ। सामने आप देख रहे हैं स्कल्पचर, नमस्कार की मुद्रा। तो चलिए अब चलते हैं आपको फेज टू की तरफ लेकर। आगे से शुरू हो जाता है नमो घाट फेज टू। काफी खूबसूरत ये नमो घाट है। चलिए अब फेज टू का आपको टोटल मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको दूंगा। यहाँ से देखना है, जैसा कि वीडियो मैंने भी आगे बताया था आपको, यहाँ से शुरू हो जाता है नमो घाट फेज टू। ये आप देख रहे हैं नमो घाट फेज टू, यहाँ से शुरुआत।
यहाँ देख रहे हैं तैयारी जबरदस्त है, फिनिशिंग का कार्य। आगे आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स यहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा कार्य ये सड़क मार्ग से होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है, बिल्कुल पास में नमो घाट पर। और ये आप देख रहे हैं ये है विसर्जन कुंड, जिसकी फिलहाल अब सफाई कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर उद्घाटन की तैयारी या लोकार्पण की तैयारी कहा जाए, क्योंकि ये आपका विसर्जन कुंड पूरी तरीके से पानी यहाँ पर खाली कर दिया गया है और अब साफ पानी यहाँ भरने की तैयारी चल रही है। यह है विसर्जन कुंड, इसका उद्देश्य गंगा में प्रदूषण कम से कम हो और मूर्ति और आपका फूल माला का विसर्जन इसमें किया जाए। चारों तरफ मुझे फाइनल काम नज़र आता है, आगे ही आप देखेंगे तो सड़क मार्ग, और उस सड़क मार्ग से मैं आपको ले चलता हूँ फेज टू तक, अंदरूनी भाग जहाँ पर हेलीपैड बना है। फिलहाल ये मैंने आपको दिखाया विसर्जन कुंड पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और अब इसमें साफ पानी भरा जाएगा। ये दूसरे एंगल से आप देख रहे हैं विसर्जन कुंड का दृश्य, और इस तरफ देख रहे हैं ये सड़क मार्ग सीधे आपका हेलीपैड तक जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो नाली का निर्माण करने के बाद पेंट भी कर दिया गया है, जाली वगैरह जितने भी हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया गया था सब पेंट कर दिया गया है, और अब ये कुछ एक अलग ही नज़र आता है ये दृश्य। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये नाली जाली युक्त शाही नाला तक ये नाली आपका निर्माण कार्य हुआ है, और ये इंटरलॉकिंग पत्थर बिछाने के बाद कुछ इस प्रकार का दृश्य है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपका जाली लगाया जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि पूरा जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब व्यवस्था की जा रही है, और जितना भी यहाँ पर मलबा था वो सभी मलबा अब हटा दिया गया है और नमो घाट अब काफ़ी खुला खुला और साफ दिखता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका नमो घाट, जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं पूरा साफ सफाई करने के बाद कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आगे में ये आपका रेस्टोरेंट करीब करीब बन के तैयार है। और मैं आपको दिखाऊं तो पेड़ पौधे भी काफ़ी अब बड़े हो गए हैं जो यहाँ लगाए गए थे, और भी गमलों की आवश्यकता है जैसे कि हरियाली आपको दिखाई दे। चलिए अब चलते हैं आपको आगे और लेकर शाही नाला के दूसरी तरफ। ये देख रहे हैं शाही नाला के दूसरी तरफ जहाँ पर VIP लाउंज और घाट की सीढ़ियाँ वो सभी पर तैयारी जबरदस्त चल रही है, और काफ़ी हरियाली युक्त यहाँ पर वातावरण है नमो घाट फेज टू पर। चलिए शाही नाला के दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ, और पूरा हेलीपैड तक आपको मैं अपडेट दूंगा। फिलहाल यहाँ पर
आप देखेंगे तो रास्ते में इस प्रकार बड़े बड़े चौकोर पत्थर रखे हुए हैं और इन सभी को बिछाया जाएगा किनारे किनारे। यहाँ देख रहे हैं ये सड़क मार्ग करीब करीब कंप्लीट होता हुआ। ये मैं आ गया हूँ वीआईपी लाउंज जहाँ पर ये गेस्ट हाउस बन रहा है। वहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और फिनिशिंग का काम यहाँ भी। चलिए इसको अंदर से भी आपको दिखाऊं ये वीआईपी गेस्ट हाउस। अंदर से देख रहे हैं वीआईपी लाउंज। इस वीआईपी लाउंज से आप देख रहे हैं सामने ही नमो घाट फेज टू का दृश्य। चलिए आपको एक बार नीचे से पूरा दिखाऊंगा ये दृश्य। ये आप देख रहे हैं शानदार नमो घाट फेज टू। धीरे धीरे यहाँ पर घाट की भी सफाई हुई है सीढ़ियों की। यह देखा शानदार ये नमो घाट फेज टू काफी आकर्षक दिखाई देता है ये घाट। पूरी तरीके से तैयार है। तरफ में आपको दिखाऊं तो ये है वीआईपी लाउंज जहां पर छत पर देखेंगे तो जालीदार पत्थर लगाया गया है रेलिंग और ये भी करीब करीब फिनिशिंग की तरफ है। खिड़कियों में कांच लगाने का काम बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब आपको हेलीपैड के पास ले चलता हूं। कुछ नीचे से ऊपर की तरफ का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है फेस टू में। ये दोस्तों ये देख रहे हैं माँ गंगा का विशाल स्वरूप आपको यहाँ से दिखाई देगा नीचे से और ये सामने ही आप देख रहे हैं हेलीपैड। काफ़ी नीचे अभी गंगा जी का जल स्तर है। फिलहाल आप ऊपर की तरफ का दृश्य देख रहे हैं नमो घाट का। और ये आप देख रहे हैं सामने में ही मालवीय पुल। शानदार दृश्य है ये मालवीय पुल का। चलिए अब चलते हैं हेलीपैड की तरफ। जैसा कि आपने देखा ज़बरदस्त तरीके से साफ सफाई चल रही है और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है यहाँ पर नमो घाट फेज टू पर। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसका लोकार्पण किया जाएगा जिसकी की तैयारी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। घाट बिल्कुल साफ इसमें दिखाई दे रहा है। ये मैं आ गया हूँ सामने ही हेलीपैड है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलीपैड पर भी साफ सफाई की तैयारी चल रही है। आगे चल के वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
आप देख रहे हैं रेलिंग के पास इस प्रकार तैयारी चल रही है फुटपाथ की। एक बार फिर मैं आपको इस घाट का विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बिल्कुल खुला घाट और काफ़ी लंबा घाट है ये नमो घाट फेज़ टू। और नमो घाट काफ़ी लंबा घाट, और ऐसा घाट आपको वाराणसी में कहीं नहीं दिखाई देगा। फिलहाल ये आप देख रहे हैं रेलिंग कंप्लीट हो चुका है, और इधर आप देखेंगे तो घास का ये मैदान तैयार किया जा रहा है, जो कि काफ़ी शानदार दिखेगा बनने पर। नए घास भी लगे हैं और पुराने घास भी। जैसे ये आप देख रहे हैं, इस तरफ काम ख़त्म होने के बाद ये नए घास का यहाँ पर तैयार किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं, आगे ही हेलीपैड है, और हेलीपैड पर भी आपको ले चल के दिखाऊँ वहाँ क्या चल रहा है। ये पूरा देख रहे हैं, ये घास का मैदान तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल हेलीपैड से लगा हुआ ये जगह है, और काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और इस तरफ आप देख रहे हैं, ये है हेलीपैड। यहाँ भी इंटरलॉकिंग ईंट बिछाने का काम पूरा हो चुका है, और जैसा कि आप देख रहे हैं सफाई का काम अब चल रहा है। चलिए आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। अब जितना भी यहाँ पर मलबा था उन सभी को अब धीरे धीरे हटा दिया गया है, और हटाने का काम यहाँ पर चल भी रहा है हेलीपैड से। यानी कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साफ़ सफाई कंप्लीट होने के बाद और भी ये खूबसूरत जगह दिखाई देगा। फिलहाल ये देख रहे हैं, ये मार्ग सीधा चला जाएगा आपका हेलीपैड से होते हुए आधे आगे जो है आदि केशव घाट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया किस प्रकार नमो घाट फेज़ टू लोकार्पण की स्थिति में का लगभग पूरा तैयार होता हुआ, छोटे मोटे काम सिर्फ बचे हैं। नवंबर में मोदी जी का आगमन था, लेकिन थोड़ा लेट होने के बाद अब वो दिसंबर में होगा, क्योंकि दिसंबर में आपका सर्ववेद महादेव मंदिर मंदिर है उमरहा में, मेडिटेशन सेंटर, भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, उसका भी उद्घाटन होगा। तो उस समय जब दिसंबर में आएंगे, संभवतः 18 दिसंबर को इस जगह का भी लोकार्पण होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।